सा भी जिक्र, कुगी भी जिक्र। शिकारी आ गया, नज़र कुगी पे पड़ी। उन्हें कहा लै भाई दोपहर का डंग तो हो गया। उसने पीछे से तीर निकाला, कमान में रखा, कुगी का निशाना लेके तीर छोड़ने वाला था। कुगी के अंदर वो जो अल्लाह ने एक सिस्टम लगाया, कुदरती सिस्टम लगा था, खतरा खतरा खतरा। कुगी ने वेख्या तीर शिकारी छुटन ही आला। कुगी ने डारी भरी, उड़ान भरी दरख्त से बाहर। जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना तो क्या देखती है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है। तो नज़र उसने भी कुगी पे लगाई हुई है, वो भी झपटा कुगी पे। अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा गई थी, वापस आ गई और आके क्या किया जो हम नहीं करते हैं। अल्लाह को पुकारा, हाजिर जी, अर्ज करती है रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं, सुने है तेरे वलियां को जो चाहे कर सकना है। अगू जवाब कुगिए, ये शेरों का मतलब बता रहा हूँ, कुगिए की चाहनी है साढ़े को। रब्बे करीम तेरी माड़ी जी कुगी दूम होता जो फस गई है, उड्डा बाजत हमारी जावा ना उड्डा शिकारी इतू मारी जावा। अर्जी सिर्फ हैनी है इन्हें दूं कुलू बचा सकना है। फिर आवाज़ आँदी कुगिए है दो की ने, सारा जमाना भी मारन आ जाए जे असी बचाना है तो असी बचा लेने हैं। है दो की ने, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यफअलुल्लाहु मा यशा فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ। शिकारी बड़ा रहा है, उन्हें कहा चंगी भली उड़ी फिर आ गई। उन्हें कहा लगता है इसको इसकी मौत ले आई है, तीर पहले चढ़ा हुआ था। उसने फिर उठाया, फिर निशाना लिया, पीछे से खेंची तंदी और कुगी के निशाने पे तीर छोड़ दिया। अब अदर जी फायर गन से भी किया जाए ना तो गोली कुछ देर तो नली में गुजारेगी नहीं, अला है वो वक्त बड़ा थोड़ा सा, वही वक्त जो तीर ने भी निकलते निकलते कमान में गुजारना था। हुक्म इलाही से ना आके एक सांप ने उसके पाँव पर डसा, जब सांप ने डसा तो दर्द हुई और दर्द होने की वजह से ना झटका लगा, और जब झटका लगा ना तो जो हाथ ऐसे था ना कुगी के निशाने पे, झटका लगने से ऊपर हो गया, ऐसे हो गया और तीर कुगी पे निकलने के बजाय ऊपर निकला और ऊपर जो बाज चक्कर काट रहा था ना जाके उसको लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। कुगी उत्थे खलोती है दोएं थले पे ने, हाँ जी मौत को भी मौत आ गई है। उत्थे फिर मियाँ साहब ने आखिरी ते बारहवां शेर लिखे हजरत। फिर मियाँ साहब की कहते ने, फरमाते ने कुगी रही अथां खलोती। अथां कहते हैं हमारी पंजाबी में उत्थे, जिस तरह हम आए ना ये जज चौंक था पीछे, इन्होंने कहा जी उत्थे खलो। तो थोड़ा ना कहते हैं 35 किलोमीटर बाद बोली थोड़ी सी चेंज होती है हजरत। तो वो साढ़े इतने उत्थे सी, उत्थे जाके थे अथां बन गए, समझ गए ना आप अथां का मतलब, ठीक है। फरमाते हैं कुगी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए थे वो वहीं है, मौत को मौत आ गई है। कुगी रही अथां खलोती, चंगी पली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई है। मर्जी पुत्र रब दी, मर्जी रब दी, मर्जी रब दी होनी। एवं पुत्र बेतुका जोर ला अंडे दियो, एवं उहदे नाल मत्था ला लिया था जी, उहदे नाल पुत्र कोई मत्था नहीं जे ला सकता, बड़ा जोरां वाला रब है इधर। आओ यार मत्था ना लाइए, लिफ्ट जाइए, लिफ्ट जाइए। तुसीं कहोगे मिसबाई साहब चंगा तुसीं फैसलाबाद आए हो, साढ़े ते इल्ज़ाम ला चले हो, रब ना मत्था लाया, कितों मत्था लाया। बाद जो तुम कहना जाके तो मैं हूँ ही तुम फिर कह दिना, मैं मेरे तक अदर सब गल आदि हैं। मैं जो इलाके च गया लोगों ने कहा जी चंगे मौली साहब आए ने, साढ़े तो जाते इल्जाम ला के नहीं आने, रब ना मत्था लाया। अभी कितों मत्था लाया, मत्थे ही लाया पुत्र, जो अभी अजान सुन के मस्जिद नहीं ना आते इन्हें मत्था कहें, होर मत्था किनू कहें, मत्था ही लाया नहीं आना। वो कहता है ही आल असला, ये कहने नहीं आना, और मत्था किनू कहें, वो कहता है ही आल अल फला, नहीं आना है, और मत्था किनू कहें।
फजर कहते असलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद तू बेहतर है, नहीं आना है और मता किनू कहते। वो कहते दाढ़ी रखो, नहीं रखते है और मता किनू कहते। वो कहता सिर ढक के रखो, नहीं रखते है और मता किनू कहते। वो कहता झूठ ना बोलो, अं दबा के बोलने और मता किनू कहते। बबू फरमाते ने मन गशा फले समीना, जिन्हें धोखा दिता साढ़े जिन्हें अं दबा के दिने और मता किनू कहते। आओ यार मैं भी सारे पाई मथा ना लाई है, यारी ला लई है, यारी ला ली। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। तो जवाब आया ना गल खत्म जी, जवाब की आया ओए बंदिया दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बाकी हजरत जी वक्त थे जानदा पे, जैसे हजरत बता रहे थे आए तो हम इनके वाल साहब के से भाई बता रहे थे कि कल हम शीरा प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ लाई, कल उनका भी इंतकाल हो गया। ऐसे तरह ऐसे तरह ऐसे ही तो मियाँ साहब कहते ने उधर बहाना चलता ना ही। मैं का मैं हजरत जी अपनी वालदा की शादी तो 17 साल बाद, किबला साहब 17 साल बाद मैं पैदा होया। 21 या 22 साल मेरी वालदा ने मैं पाले, मैं 21 या 22 साल का हाँ, वालदा साहब आप ही फोत हो गए। अगर बंदे को थोड़ा सा भी इख्तियार होता ना तो वह ज़रूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, रब्बा जिन्हों 17 साल मंगया, जिन्हों 22 साल पालिया, कुछ तो वेखण दे। 17 साल सिर्फ मंगया, 22 साल 21 साल पालिया, मालक कोई तो वेखण दे, व्याह ही वेख लें, कोई एक अद्धा जाना ही वेख लें। लेकिन मियाँ साहब की कहते ने उज़र बहाना चलता नहीं, जो आखे सो करिए, डीगर नू जे टहना होवे कानू कोल कोल मरिए। अदर जी टहना पुत्र सारिया ने टहना है, और यह भी नहीं पता किड़े वेले टाल आना फट के। आओ यार आज टह जाइए, अपनी नमाजा पूरियां करिए, कुरान खोलिए, जिक्र करिए, दरूद पढ़िए, अपने वालदैन की खिदमत करिए। हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना जी सारे काके नमाज, जिक्र करेंगे ना सारे जी, दुरूशी पढ़ेंगे ना सारे, अपने वालदैन की खिदमत करेंगे ना जी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।